मेरा नाम अमनजीत सिंह है जी, तो असी स्पोर्ट्स के प्लेयर हाँ जी, फुटबॉल के। हाँ जी, साडा पिंड चक मेरा जी। हाँ जी, ये स्टेडियम बहुत वधिया बने हैं जी, साडे लिए बड़ा वधिया है जी स्टेडियम ये। तो असी अपने MLA करमवीर सिंह घूमन साहब जी का, मीत हेयर साहब जी का बड़ा धन्यवाद करते हैं, जेडे स्पोर्ट्स लिए इन्ना कुछ कर रहे हैं। तो जो असी कोई भी प्रॉब्लम लैके जाने सॉल्व करते हैं, तो यह स्टेडियम बनया असं बड़ा धन्यवाद करते, सूँ बड़ी लड़ सी इस स्टेडियम की। तो जिदा साढ़े खेडने लिए ग्राउंड नहीं, यह ग्राउंड बनया असं बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं सारे प्लेयर वालों। हाँ जी, एक ग्राउंड है उधर स्टेडियम, पर उसकी हालत सही नहीं सी, थोड़ा मतलब खस्ता हालत चा, यह बनाया यदि वधिया ग्राउंड बना के दिता है। हाँ जी, असं बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं जरा स्पोर्ट्स वास्ते इन्ना कुछ कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि अगे तो भी साढ़े तो वो कर। देखो, मैं MLA साहब न बहुत वधाई दिना, घूमन साहब न, इन्होंने बहुत वड्डी हिम्मत की है। इस तरह का खूबसूरत जिहड़ा पार्क है, वो जिहड़ा खेड़ा कोटली पिंड है उत्थे जिहड़ा तैयार किया है। मेरे याद है घूमन साहब, मैं लगता 6 महीने की गल होनी है, 8 महीने जो मैं पहला इहदा नींह पत्थर जिहड़ा इस पार्क का जो इन्होंने रखिया सी, मैं उदों आया सीगा। तो 8 महीनिया तुसी देखो जी, 8 महीने पहला तुसी इत्थे, उदों मैं लगता तुसी आए होंगे मीडिया वाले साथी, तो उदों इत्थे की हालात सी ते अज इत्थे की ने, है ना। एक कह लो भी बहुत ये देख के लगता ही नहीं भी तुसी किते किसे पिंड दे विच घूम रहे हो। देखो उधर बास्केटबॉल का ग्राउंड अलग है, वॉलीबॉल का अलग है, बैडमिंटन का अलग है, शानदार पार्क बनाया हुआ। तुसी देखो कितना अच्छा ग्रासी ग्राउंड, जिहड़ा फुटबॉल का जिहड़ा बनाया गया, ओपन जिम लगाई गई है, मतलब कि बहुत अच्छा जिहड़ा उपराला विधायक साहब ने MLA साहब ने किया। ये मैनू लगता भी जिथे बच्चों पार्क मिले, बजुर्गों सैर करने जिहड़ा ट्रैक मिले, उत्थे जिहड़े खिडारी, क्योंकि इत्थे अज बास्केटबॉल का भी मैच हो रहा, उन्होंने ग्राउंड भी मिले। सो इस तरह के जिहड़े ग्राउंड ने, असीं तां कहना भी सारे पिंडां दे विच जिहड़े बनने चाहिए। सो सारे ये साडी सरकार दी तरजीह भी है कि पिंड पिंड जिहड़े आ ग्राउंड जिहड़े आ उह बन। तो मैं MLA साहब नूं जिहड़ी बहुत वधाई, जिहड़ी बहुत मुबारकबाद दिंदा, ते आउण वाले समें च भी साडी सरकार दी भगवंत मान जी दी गवाही च इह कोशिश है कि हर पिंड दे विच, ठीक है किसे पिंड कोले ज़्यादा जमीन है, किसे कोल घट है, जे घट जमीन है तो उत्थे कल्ला बास्केटबॉल का बन जाए, जे होर घट है तो उत्थे कल्ला वॉलीबॉल का बन जाए, पर हर पिंड असीं कोशिश करांगे कि जिन्नी कु भी जीना जमीन आ उत्थे जिहड़े ग्राउंड ने जिहड़े उह बन सकण। आ तुसीं देखो भी MLA साहब ने 10 ग्राउंड आपदे हल्के जिहड़े आ वो शुरू कर रखे, हजे साल एक होया, है ना। कई मैं MLA साहबान गल होंगी रही, किसी हल्के च 20, किसी हल्के 30, मतलब कि भी पहली बार होगा कि किसी सरकार दे पहले साल के जिसे अभी होर कहना भी असी भाई बड़े वादे पहले साल च पूरे किए, असी बिजली दी 600 यूनिट, असी 30,000 नौकरियां दित्तियां, उत्थे ग्राउंड्स वाल भी जो तुम पूरे पंजाब एक निगाह मार के देखो तो बड़े ऐसे हल्के जिते 20-30 ग्राउंड ऑलरेडी जो बन चुके हैं जां उन्हां दा काम है जिहड़ा वह चल रहा है। तो 5 सालों के अंदर साडी कोशिश होगी कि पंजाब के हर पिंड नूं जिहड़ा एक ग्राउंड है असी उह दे सकीए। भाजी, ये बहुत ही वधिया स्टेडियम बनया जी, सारे हुशियारपुर डिस्ट्रिक्ट दे विच पहला स्टेडियम होगा जिहड़ा एक आधुनिक तकनीक नाल बनाया गया वा। तो ये मीत हेयर जिहड़े स्पोर्ट्स मंत्री हैगे ने, उन्होंने इहदा अज उद्घाटन किया आ, तो इलाके च बहुत ही खुशी की लहर है। तो सब तो वड्डा धन्नवाद MLA साहब का आ जिन्हां ने ये प्रोजैक्ट इत्थे लिया के ते सारे ही इलाके नूं मान दिता, और ये उन्हां दी भी बहुत वड्डी शाबाश है कि इदां दे मतलब ये पंजाब च ही पहला स्टेडियम देखण नूं मिल रहा सानू, ते असीं बहुत ही धन्नवाद MLA साहब और मीत हेयर स्पोर्ट्स मंत्री जी दा कर रहे हैं। मैं अज साडे दसूए हल्के वास्ते और खास करके मेरे पिंड वास्ते, पिंड खेड़ा कोटली की सारी संगत वास्ते बहुत ही अज खुशी का दिन है, क्योंकि जिहड़ी लंबे समय की मेरे मन दे विच भी सी और लोगों के मन दे विच सी कि हर जिहड़े नौजवानों नूं नशियां तों दूर करन वास्ते खेड पार्क बनाउणे बहुत जरूरी है, और जिहड़ी सरकार बनन तों बाद ये जिहड़ा पार्क असीं शुरू किया सी, और एक साल दे विच मल्टीपल पार्क जिन्ने भी पिंड पैंदे ने जिन्ने भी सरपंच साहिबान पहुंचे होए ने मल्टीपल पार्क आपां तैयार करके लोगों नूं दित्ता है, और मैं जिथे धन्नवाद करना पंजाब दे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी दा, जिन्हां दी नेक रहनमई और नेक सोच करके असीं अज काम कर रहे हैं, और धन्नवाद करदा माणयोग खेड मंत्री सरदार गुरमीत सिंह मेथियर जी जिन्होंने इस खेड पार्क की अज तो साल पहला शुरुआत कराई सी, और अज ही खुद इहदा उद्घाटन करने वास्ते इत्थे पहुंचे ने। सो मैं उन्हां दा भी धन्नवाद करदा, और खास करके धन्नवाद करदा साडी समुची ग्राम पंचायत, साडे वीडियो ब्लॉक दे वीडियो साहब और उन्हां दी समुची टीम दा, और खास करके धन्नवाद करदा नरेगा वालियां जिहड़ियां साडियां भैणां ने दिन रात
इतने मेहनत की है साडे भाइयों ने इतने मेहनत की और एक एक इट के उत्ते उन्हों का नाँ लिखे गया। सो मैं उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करता और विशेष एक होर एक जरूरी गल है कि साढ़े जो पिछले साल साढ़े पिंड के शहीद होए थे सरदार मनजीत सिंह साबी जी उन्होंने याद में तकरीबन 8 लाख की लागत न जो शहीदी गेट बनना शुरू होना है वह भी अज नींह पत्थर गुरमीत सिंह मीतेर जी साढ़े रखे। सो बड़ा खुशी का समय है और बड़ा वधिया खेड पार्क साढ़े जो तैयार करके सारे लोगों के हवाले किया। वेख सकते हो कि सारिया ग्राउंडस बैडमिंटन वालीबॉल बास्केटबॉल ओपन जिम चिल्ड्रन पार्क फुटबॉल की हॉकी की और रात में जो लाइटा का विशेष तौर पर प्रबंध है। सो बहुत वधिया पार्क ये उत्ते तकरीबन 63 लाख रुपया जोड़ा साडा पंजाब सरकार वालों जी राशि नाल खेड पार्क तैयार होया और खास करके ये नरेगा वालों बड़ी पैसे लगा के वो एक पार्क तैयार किए। साढ़े पहले साल जो 10 पार्क शुरू किए और तकरीबन ये पहला पार्क अज उद्घाटन वास्ते तैयार हो और आने वाले 1-2 महीनों तकरीबन 5 पार्क होर और इस साल ही असं 10 पार्क होर शुरू कर जा रहे हैं वक् वक् पिंड फंड्स का अरेजमेंट करके और हर पिंड जहाँ पार्क बनावांगे तां जो जिहड़े नौजवान नशियां वल गए ने उन्हां नूं वापस मुड़ सके। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਕੈਡਮੀ ਈ ਪਲੈਨਟ ਆਇਲਸ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸੂਆ ਜਿੱਥੇ ਆਇਲਸ ਅਤੇ ਪੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ। ਮਿਲੋ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਰਣਵੀਰ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ।